पूंछ लिंक अड्डे पे मैं सबसे पहले जो आर्मी को मुबारकबाद दूंगा, जिनकी वसादत से मैं कहता हूँ जिनकी हेल्प से पूंछ को जो है 22 नवंबर 1948 को जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के साथ लिंकअप किया गया है, कबाइलों को यहाँ से खदेड़ा गया और पूंछ में लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, राशन, यहाँ पर अमनीशन लाया गया। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि आर्मी ने ये सबसे बड़ा मेगा इवेंट जो आप देखेंगे पिछले 15 से 20 सालों के बाद इतना बड़ा इवेंट जो है आर्मी ने कोशिश की पूंछ के लोगों को इसके साथ जोड़ा और पूंछ की आवाम भी आज मौसम भी खुशगवार था, पूंछ के लोग भी जो है गाँव से चप्पे चप्पे से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और सबसे बड़ा जो मैं जेस्चर बताना चाहूँगा कि जो आर्मी के हमारे यहाँ पर जनरल आए, कमांडर्स आए, उन्होंने यहाँ पर वीर नारियों को सल्यूट किया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप, डेंटल कैंप, ब्रीथ एंड स्पिरिचुअल टेस्ट की तरफ से आर्टिफिशियल लिम्स, यहाँ पर लोगों को जो मोटर बाइक्स दी गई हैं, तो इससे बड़ा जेस्चर जो है पूंछ की आवाम के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आर्मी ने पूंछ के बीच में लिंक बनाकर लोगों का विश्वास जीता है, आने वाले वक्त में पूंछ की आवाम जो है वो आर्मी के साथ भी खड़े होकर अपना जो है देशभक्ति का सबूत जरूर देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आज के दिन वी हैव कल्मिनेटेड ऑल दोज इवेंट्स दैट वर हैपनिंग सिंस द होल मंथ, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैचेस थे, डिबेट के मैचेस थे, उन सबको हमने आज के दिन कल्मिनेट किया। उसके अलावा टुडे वी हैव फेलिसिटेटेड दोज अनसंग हीरोज जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है फॉर द वे पुंच इज लिंक्ड विद इंडिया। उसके अलावा वी हैव फेलिसिटेटेड दोज पीपल वी आर्मी हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, उन वीर माताओं को, वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने पतियों को या अपने बच्चों को जो जंग में खो दिया है। इससे हम स्टूडेंट्स को एज अ इंस्पिरेशन ये हमारे लिए सर्व करता है कि इफ दे हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर द सोसाइटी तो इट इज आवर ड्यूटी ओनली कि हम भी मेहनत करें और सोसाइटी में अपना भी योगदान दें। एनजीओज अपना पर्सनल लेवल पर एक पर्सनल लेवल पर जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं सर्व करें, वी आर ग्रेटफुल टू दैट। उसके अलावा जो आज का दिन था इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्मी ओनली, इसमें जितने भी फेलिसिटेशन हुई हैं, जितना भी इसका बजट हुआ है, इट वाज डन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, तो उसके लिए हम वी आर क्वाइट ग्रेटफुल। इसके अलावा आज के दिन स्पेसिफिकली कई एनजीओज उनके ओनर्स को भी फेलिसिटेट किया गया है। वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस रीच कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी सर्विसेज के लिए इनाम दिया जा सके। पूंछ है अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख समेटी हुई है। ये शहर कभी रियासत पूंछ का धर्म खराबा हुआ करता था। इस रियासत का रकबा 1667 मुरब्बा मील पर था। ये रियासत चार तहसीलों यानी तहसील हवेली, बाग, सदनोती और मैडर व इलाका थक्याला पराबा पर मुश्तमिल थी। इस इलाके में खुशियां देखी और गम भी देखे। एक फतह की नकारे गूंजी तो कभी हाल में पूंछ के आवाम ने बहादुरी और जुर्रत के साथ हालात का सामना किया है। जब लश्कर और बागियों ने पाकिस्तानी फौज की मदद से उन शहर को छोड़कर सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और उन शहर मुहासिरे में था। ये वो वक्त था जब पुंछ से नाजायज कब्जा हटाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने 19 नवंबर 1947 को उड़ी से पुंछ की तरफ कूच किया, लेकिन एक पुल के जल जाने के बायस सिर्फ कमांड बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह ब्रिगेडियर एलपी सैन के साथ अपनी बटालियन लेकर पुंछ पहुंचने में कामयाब हुए थे। Yeah!
देश बचाना सताइया लड़ी।